straight from the mud. There's dirt on my hands. Already, guys, आप सबको वेलकम है मेरे इस ट्यूटोरियल में, और आज मैं आपको अपनी न्यू बर्निंग हार्ट वाला कंसेप्ट जो मैंने डाला है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे एडिट करते हैं। तो पिक्सार्ट में यहाँ ओपन हो जाता है, जल्दी से ओपन होगा, तब तक आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि इस पर बहुत सारे ऑसम ट्यूटोरियल्स आते रहते हैं। सो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। सो फ़ोन को ज़रा मैं कर लेता हूँ टिल्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मैंने आपके लिए बिल्कुल हाई क्वालिटी में क्रिएट कर रखा है, पीएनजी है, और कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आना है ऐड फोटो में, बाकी आपको आता भी होगा जितना मुझे पता है। सो सबसे पहले मैं यहाँ अपने आपको अच्छे से कर लेता हूँ रीसाइज़ में मैं देख लेता हूँ कि मेरे को सही जगह फिट हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं क्योंकि मुझे मून के ऊपर नहीं जाना है, मुझे मून के लेवल में ही रहना है, तो ये स्पॉट मुझे परफेक्ट लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे भी रहेगा, हल्का सा मैं ऊपर करके बड़ा कर लेता हूँ अपने आप। सो ये स्पॉट मुझे परफेक्ट लग रहा है अपनी फ़ोटो के लिए। सो यहाँ डन करते हैं। तो यहाँ मैंने अपने आप को विंग्स में ऐड कर दिया है। अब उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर चेन की भी मैंने पीएनजी आपके लिए क्रिएट कर रखी है, और ये भी बहुत ही अच्छी पीएनजी है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पीएनजी में भी, और यहाँ आप इजीली और अच्छे से ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसे ज़ूम करूँ अपने फ़ोटो को तो आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही मास्क बना रखा है उसका, मैं कोई कटिंग वटिंग का काम किसी के लिए छोड़ता नहीं हूँ, आप बस डायरेक्ट इम्पोर्ट करें और यूज़ करें, ठीक है। यहाँ चेन भी ऐड हो गई है। अब ऐड करते हैं अपने मेन चीज़ों को, जो सबसे मेन है और कंसेप्ट में बहुत ज़रूरी है वो है यहाँ से ये कोल। ये कोल मैंने अच्छे से कटआउट कर रखा है, और रफली हर किसी का हैंड साइज़ इतना ही पाएगा। भाई कोई बॉडी बिल्डर हो तो प्लीज़ थोड़ा इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर लें अपना हैंड का साइज़, और मेरा हैंड इतना ही पतला है। सो यहाँ मैंने अपने आप पे इंपोर्ट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर डालते हैं हम जल्दी से आके एक प्यारा सा ग्लो भी मैंने क्रिएट करके आप सबके लिए रखा हुआ है, तो जस्ट ऐड अप करना है ग्लो भी, और सारे मार्क अगर आपके में एक्सेस बन जाता है जैसे ये है, लेकिन हैंड के मार्क सब में सेम रहेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ से इरेज़र लेनी है, और यहाँ से जैसे ये टी शर्ट पे आपके नहीं है तो यहाँ से इरेज कर देना आप, और सॉफ्ट इरेज करके यहाँ से आप अपनी हार्डनेस को कम कर दीजिएगा, और फिर इरेज करेंगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से फैदर्ड लुक आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ इरेजिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट मैं ऐसे ही परफेक्ट है ये मेरे लिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं बढ़ता हूँ ऐड फोटो एक और, ये है हेज़ के बिना फ़ोटो इनकम्प्लीट रहती है, क्योंकि यार ब्लेंडिंग तो यही डालता है एट दी एंड में आके, ठीक है। और अब यहाँ से ऐड फोटो करते हैं। अब कोई पीएनजी वैसे रह नहीं रही है, बस लास्ट है, और लास्ट बहुत ही मेन है, और वो है ये क्रोज की, और ये बहुत ही ज़रूरी होती है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, और यहाँ ये ऐड अप हो गई है अच्छे से। तो यहाँ कोई कटआउट भी नहीं करना है अपने क्रोज़ में, सब अच्छे से मोशन ब्लर डाल रखा है मैंने आपके लिए कि आपको मोशन ब्लर भी करने की ज़रूरत ना पड़े। सो यहाँ पे ये आप कंसेप्ट क्रिएट हो चुका है, और जस्ट अब कलर ग्रेडिंग की बारी आती है, तो एफएक्स में जा सकते हैं आप। मैं कलर ग्रेडिंग में पिक्सार्ट में परफेक्ट नहीं हूँ, मैं लाइट रूम यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी लाइट रूम है नहीं इस फ़ोन में, तो इनमें से कोई अच्छा सा फ़िल्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक यहाँ से नहीं आता होगा फिल्टर, कहीं और ही होगा। पहले एक लेंस फ्लेयर डाल लेते हैं अच्छी सी, फोटो थोड़ी अधूरी लग रही है, तो इसको रखता हूँ यहाँ। वैसे अच्छा नहीं लग रही है लेंस फ्लेयर,
फ़िल्टर में मुझे इसमें ब्लू वाले फ़िल्टर अच्छे लगते हैं, आईसी वाले, लेकिन ये भी अच्छे नहीं है अभी। इसमें कोई और ही फ़िल्टर यूज़ करना पड़ेगा मुझे। ओ लाइक ये भी अच्छा नहीं लग रहा। इसमें मैनुअल कलर ग्रेड कर लेते हैं हम। टूल्स में आना, एडजस्ट, और पहले तो ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेना आप, क्योंकि फेस आपका विजिबल हो जाए। फिर कंट्रास्ट हल्की सी डिक्रीज़ करना, उससे आपकी चीज़ों में दिखने लगेंगी ये सारी की पार्ट कैसे हैं। और फिर क्लैरिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ करें, ओवरडू ना करें क्लैरिटी को कभी। और यहाँ से सेचुरेशन जैसी आपको चाहिए, और फिर यहाँ से लाइक अगर मैं ग्रीन ग्लो भी करता हूँ तो भी अच्छा लग रहा है, ब्लू भी अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे मेरा फेस का टेक्सचर ख़राब हो रहा है। और यहाँ हाइलाइट्स में आ जाता हूँ, हाइलाइट्स मुझे थोड़ी रिकवर करनी है क्योंकि पीछे मून है, और इसमें थोड़ा सही रखना है। और टेम्परेचर कर देता हूँ थोड़ा डिक्रीज़, जिससे ब्लू कलर मुझे मिल जाएगा अच्छे से। फिर टूल्स में दोबारा आके अगर मैं यहाँ से एनहेंस पे क्लिक करता हूँ तो अच्छा नहीं है। सॉरी अगर किसी को लगे यार कि मैं पिक्सआर्ट में कलर ग्रेडिंग अच्छी नहीं कर पाता हूँ, जस्ट मैटिंग का मैं बताता हूँ इसमें। और कुछ और चीज़ें कर्व से देखते हैं, अगर कर्व से करें थोड़ा सा ये और थोड़ा सा वैसे। कर्व में अच्छे नहीं लग रहे हैं इतने, फिल्टर में ही देखता हूँ ये अच्छा सा। सो ये अच्छा लग रहा है मुझे। अगर मैं इसे फेड करूँ थोड़ा, और फिर उसके बाद फिल्टर में आके थोड़ा और यहाँ से ब्लू सेलेक्ट कर लूँ, और फिर यहाँ ब्लू को भी फेड कर दूँ तो वो ब्लूइश इफेक्ट आ जाएगा जैसे मेरे फोटो में है। तो हाँ कुछ लगभग आ गया है। अगर थोड़ा आप लाइट रूम में जाके एडजस्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा। वैसे मैं लाइट रूम यूज़र हूँ नहीं, आपको अच्छे से आता होगा, प्लीज़ ज़रूर। और यहाँ ये फ़ोटो कंप्लीट कर देता हूँ मैं, ब्लू ऐसे ही टोन अचीव हो गया। अगर नहीं होगा तो बैक यहाँ तक आपके लिए परफेक्ट है टोन, जो भी मैप हुई है ठीक है, इतनी भी अच्छी लगती है। लेकिन आपको जो भी कलर ग्रेड होती है, हर किसी की अलग अलग होती है, आप लट्स यूज़ करते हैं या कुछ भी यूज़ करते हैं तो आप उससे कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। सो थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।